तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित और आप लोग देख रहे हैं अमित गेमर। तो आप सबका स्वागत है राजधानी एक्सप्रेस के पार्ट टू में। गाइस, पिछली वीडियो में आपने देखा था कैसे हमने राजधानी एक्सप्रेस की शंटिंग करी थी विद WDS। तो गाइस, अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको उस वीडियो का। और हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। गाइस, देख सकते हो हमारी राजधानी एक्सप्रेस के साथ खड़ी है एक शताब्दी एक्सप्रेस गाइस। और इसको जो लोकोमोटिव मिला हुआ है गाइस, ये है WDG4, नटराज का WDG4 मिला हुआ है इस ट्रेन को गाइस। और ये जो ट्रेन है कुछ देर में यहाँ से डिपार्ट करेगा गाइस। और अभी हम लोग हैं मिर्ज़ापुर स्टेशन पर और हम लोग करते हैं अब शुरू अपने कपलिंग प्रोसेस को गाइस। तो ये है हमारा WDP4 गाइस। तो हम इसको जो है गाइस लेकर के चलते हैं उस ट्रेन के पास। और सामने देख सकते हो कि एक ट्रेन खड़ी हुई है WDG3A के साथ विद ICF कोचेस। इसको भी जो है अभी सिग्नल मिला नहीं है गाइस, इसको भी मिलने वाला है। और हम लोग चलते हैं अपने लोकोमोटिव के पास। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने लोकोमोटिव के पास और अब हम यहाँ से डिपार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी ट्रेन के पास गाइस। तो धीरे धीरे चलेंगे आगे की ओर, रिवर्सल पॉइंट तक जाएंगे गाइस। और देख सकते हो जो हमारे पीछे ट्रेन खड़ी थी जिसको सिग्नल नहीं मिला था, उसको मिल चुका है सिग्नल और वो अब स्टेशन के पास मतलब स्टेशन में आ रही है। और उसका वहाँ पे स्टॉपेज है गाइस, वहाँ पे वो ट्रेन रुक जाएगी जाके। और हम लोग पहुँचने ही वाले हैं अपने रिवर्सल पॉइंट तक और हम लोग पहुँच चुके हैं गाइस इस वक्त अपने रिवर्सल पॉइंट तक। तो गाइस, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे कमेंट में बताइएगा गेम प्ले कैसा लगा है और ऐसा वीडियोस और देखना चाहते हैं कि नहीं, ये भी ज़रूर से कमेंट में बताइएगा गाइस। और इस वक्त आप लोग देख सकते हो हमने जो है रिवर्स गियर डाल दिया है लोकोमोटिव का और अब हम जा रहे हैं लूप लाइन से मेन लाइन की तरफ। और गाइस, देख सकते हो आप वो ट्रेन जो है हमारे पास आ चुकी है गाइस। अब आपको देखने को मिलेगा साथ में एक पैरेलल रन गाइस। पैरेलल रन को आप देखेंगे इस वीडियो में हमारे लोकोमोटिव के साथ और इस ICF ट्रेन के साथ गाइस। तो बस अब शुरू ही होने वाला है पैरेलल रन। तो गाइस देख सकते हो और ये हो चुका है पैरेलल रन स्टार्ट गाइस। ओ गाइस, मैं दोबारा पीछे ले गया यार, मैं बिल्कुल भी ट्रेन अच्छे से नहीं चलाता हूँ। तो देख सकते हो पैरेलल रन जो है हमारा शुरू हो चुका है गाइस। तो देख सकते हो हमारा लोकोमोटिव भी अभी स्पीड में जा रहा है और इस ट्रेन को ओवरटेक कर रहा है। नहीं गाइस, उस ट्रेन की स्पीड होने वाली है, ये देख सकते हो उस ट्रेन की स्पीड हो चुकी है ज़्यादा। नहीं गाइज, दोबारा हमारी ट्रेन, हमारा जो लोकोमोटिव है आ चुका है स्पीड में। तो गाइज जीतेगा तो कोई नहीं, दोनों को जो है स्टेशन पर रुक जाना है जाके, हमारे लोकोमोटिव को भी रुक जाना है और उसको भी रुक जाना है दूसरी ट्रेन को, क्योंकि उस ट्रेन का तो स्टॉपेज है ना गाइज। अब हम अपनी ट्रेन के पास बस पहुँचने ही वाले हैं। देख सकते हो राजधानी एक्सप्रेस सामने खड़ी हुई है गाइज। और जैसे ही हम स्टेशन के पास पहुंचेंगे लोकोमोटिव को हम यहाँ पे रोक देंगे गाइस। तो गाइस देख सकते हो लोकोमोटिव, अब हम रोकना शुरू करते हैं। तो गाइस देख सकते हो हमने लोकोमोटिव रोक दिया है और देख सकते हो रुका हुआ है हमारा लोकोमोटिव। और जो दूसरी ट्रेन थी जो है अब स्टेशन पे एंटर हो चुकी है गाइस और बस रुकने ही वाली है। तो गाइस देख सकते हो ये ट्रेन रुकने ही वाली है और साथ वाली ट्रेन को जो है सिग्नल मिल चुका है ग्रीन। तो गाइस देख सकते हो इस ट्रेन को जो है सिग्नल मिल चुका है ग्रीन और अब आप लोग एंजॉय करिए इस ट्रेन डिपार्चर को। इसके बाद हम लोग करेंगे कपलिंग ऑफ राजधानी एक्सप्रेस विद WDP4। तो गाइस इस वक्त आप लोग देख रहे हो शताब्दी एक्सप्रेस का ट्रेन डिपार्चर और ये जा चुकी है पूरी ट्रेन। ये गया इसका जनरेटर कार कोच और ये ट्रेन जा चुकी है स्टेशन से बाहर और अब ये जाएगी अपनी डेस्टिनेशन तक गाइस। और अब हम लोग चलते हैं अपनी ट्रेन के पास और करते हैं कपलिंग। तो गाइस
हम लोग चलते हैं अपने लोकोमोटिव के पास, आ चुके हैं हम WDP4 के पास, और अब हम करेंगे कपलिंग ऑफ WDP4 विथ राजधानी एक्सप्रेस गाइस। तो आ चुके हैं हम अपनी ट्रेन के पास, दे सकते हो कपलिंग प्रोसेस हो चुका है शुरू गाइस, और आप लोग एंजॉय करिए इस कपलिंग सीन को गाइस। कुछ ही पलों में जो है कपलिंग हो जाएगी ट्रेन के साथ हमारे WDP4 का। तो गाइस देख सकते हो WDP4 का हो चुका है कपलिंग विद राजधानी एक्सप्रेस, और अब ये ट्रेन जो है गाइस यहाँ से करेगा डिपार्ट। आप लोग एंजॉय करिए इस डिपार्चर को। तो गाइस अब आप लोग देखेंगे इस ट्रेन का डिपार्चर, और पूरा एंजॉय करना इस डिपार्चर को, और मैं आपसे मिलूँगा डिपार्चर के बाद। तो गाइस देख सकते हो आधी ट्रेन निकल चुकी है स्टेशन से, और अब हमारे जा रहे हैं ये 3 टायर कोचेस विद कॉन्टीन्यूस विंडोज़। तो गाइस अब जा रहे हैं हमारे 2 टायर एसी कोचेस, पेंट्री कार जा चुकी है पहले से, और ये निकला हमारा जनरेटर कार गाइस। तो हो चुका है इस ट्रेन का डिपार्चर यहाँ से कंप्लीट, और अब ये जाएगी अपनी डेस्टिनेशन तक पूरी स्पीड में, और लोगों को पहुँचाएंगी उनके घरों तक। और गाइज़ वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको याद है ना जो हमने ट्रेन देखी थी अराइवल होती हुई, अब उसका हो चुका है टाइम डिपार्चर का गाइज, वो भी आप ज़रूर से देखिए। मैं आपको लेकर चलता हूँ उस ट्रेन के पास। तो गाइज़ चलिए चलते हैं हम उस ट्रेन के पास। ओ सॉरी गाइज़, मैं गलती से यार मैप व्यू में आ गया, कोई बात नहीं गाइज़। हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन के पास, देख सकते हो जो पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे थे ट्रेन में चढ़ चुके हैं गाइज़, और ये ट्रेन तैयार है इस डिपार्चर के लिए। बस गाइस इसको जो है सिग्नल मिलने ही वाला है, और गाइस देखिए मिल चुका है इस ट्रेन को सिग्नल गाइस, और अब ये ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी। देख सकते हो हॉकिंग जो है करती है, और फुल स्मोक के साथ ये WDG3A निकल चुका है अपनी ट्रेन को लेकर के, पैसेंजर को लेकर के अपनी डेस्टिनेशन तक जाएगा, लोगों को घरों तक छोड़ेगा गाइस। आप लोग एंजॉय करिए इस ट्रेन डिपार्चर को, मैं आपसे मिलता हूँ इस ट्रेन डिपार्चर के बाद। तो गाइस देख सकते हो बस ट्रेन जाने ही वाली है स्टेशन से पूरा, और ये गया लगेज वैन, मींस जिसमें गार्ड भी बैठा होता है गाइस। ये था लास्ट कोच इस ट्रेन का, हो चुका है इस ट्रेन का भी डिपार्चर यहाँ से कंप्लीट, ये जाएगा अपनी डेस्टिनेशन तक, लोगों को छोड़ेगा इनके घरों तक। तो गाइस हो चुका है ट्रेन का डिपार्चर कंप्लीट यहाँ से, और अगर आपको वीडियो पसंद में आई हो तो ज़रूर से लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नीचे बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, और मुझे बताना गाइस कि आप लोग ऐसी देखना चाहते हैं वीडियोस या नहीं गाइस। और मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।